So we have understood that understanding plus character लिखना नहीं है, समझना है, लिखना तो आप किताब लिख लोगे, leads to pain and pain only leads to status change. तो SSB में मैं आप चेक करूंगा पहले ये फिर वो, साथ साथ ही होगा. लेकिन जिसको ये कुछ भी नहीं आता तो उससे मैं क्यों उम्मीद करूंगा, इसकी उम्मीद ही नहीं कर सकता मैं. दादी को तो मारेगा ही मारेगा वो, दादी को तो मारेगा ही. जो दादी को मार देगा मैं क्यों सेलेक्ट करूंगा उसको, क्यों मारेगा दादी को. उसको समझ नहीं आता ओल्ड एज क्या होती है, उसको समझ में नहीं आता दादी क्या चीज होती है, उसको समझ में नहीं आता उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको समझ में नहीं आता कि व्हाट आर द प्रॉब्लम शी इज फेसिंग, उसको समझ में नहीं आता कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता किस तरह की डाइट होनी चाहिए, और चरित्र भी खराब है उसका, तो मारेगा ही मारेगा. तो भाई मैं क्यों सेलेक्ट करूं उसको, मैं तो आपको इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं कि मैं आपके जिम में 100-200 लोग देने वाला हूं. आप तो एनकाउंटर में मरवाओगे सबको, क्योंकि आपको समझ नहीं आता. इसलिए लेकिन अगर आपको समझ में आता है, मैं आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं उम्मीद कर रहा हूं, नॉर्मल मैंने आपको कुछ बोला, आपने सुना, आपको समझ में आया, वेरी गुड. मैंने आपको PIQ फॉर्म में पूछा था सवाल, आपको समझ में आया, वेरी गुड. मैंने आपको पूछा टेल मी द प्लेस, टेल मी द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, कहता 497,320. समझ में नहीं आता क्यों 320 पे रुकी पड़ी है. रट्टू तोता ऊंचे दर्जे का, समझ में नहीं आता तेरे को क्या चलती है ये कब का सेंसस है. और मैंने तो तेरे से, उसने तेरे को इशारा भी किया था अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन बता दे भाई, किसी के बस की नहीं है अभी पता करना बीच में. नहीं 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 तू बताएगा, बहुत ऊंचे दर्जे का रट्टू तोता है, 497,320. और खुश हो गया, अरे अरे अपने को पता है लीडर ढूंढ रहे हैं तोते नहीं. मैं तो बहुत सारे तरीके पता करने के ना, समझ में आना नॉलेज नहीं है. वो रहा चेक के यहां पर समझते कितने आप अपने आप को, मेरे आसपास जो है, यहां से शुरू करो, खुद को, खुद को खुद समझ में आता है. यू आर लेजी, वाई पता नहीं, थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्यों पता नहीं. मार्क्स क्यों कम है पता नहीं, पता नहीं नहीं कह रहा है वो, कह रहा है कर ले क्या करना है. मैं तो ऐसे ही हूं, एक तो पता नहीं ऊपर से एरोगेंट भी है. क्यों तुझे पता नहीं कि लेजी क्यों है. पढ़ो अपने आप को, समझो मेरी अपनी लाइफ स्टोरी, समझो बचपन से लेके आज तक मेरे साथ क्या हुआ. लीडर ये करता है, मैं ऐसा क्यों हूं. लिखो स्टोरी ऑफ माय लाइफ और काकड़ सर से डिस्कस करना. मैं बचपन में यहां गया, ये हुआ मेरे साथ, इस स्कूल में गया, मेरे ये भाई थे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, आज मैं ऐसा बन गया हूं. ये पता होना चाहिए, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना. ये पॉइंट्स मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ करने को. आप आए हैं लक्ष्य में तो करना ही है. और देखूंगा जब आप मेरे पास आएंगे पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, रजिस्टर में कहाँ लिखा स्टोरी ऑफ माय लाइफ. खुद को समझना, लेजी हूं क्यों लेजी है भाई, और कर क्या रहा है. आप जिसको समझ में आ गया वो करेगा, मैं तो DNA चेंज करूंगा. मैं गुस्सा हो जाता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ, क्यों पता होना चाहिए ना क्यों. जिसको पता होगा वही तो ठीक करेगा. अंडरस्टैंडिंग तो कितने तरीकों से पता चल जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग. यूपी वाले हाथ खड़ा करो सारे. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ यूपी. गुड
पाकिस्तान, प्रॉक्सी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अप्रॉक्सी इक्वली लेस, बट यू कैन से समथिंग लाइक, पता ये पता होने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मेरी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है? मैंने आपको पूछा कि आपके गांव के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा एक वीडियो बना, किस किसने देखा वो वाला जिसमें मैंने बोला गांव के बारे में जवाब दिया, किस किसने देखा हाथ खड़ा कर, सब लोग देख लो। इंटरव्यू का सवाल है टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस और योर विलेज, तो क्या जवाब आता है? सर माई विलेज इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट, MLA is so and so, there is a mandir, there is a festival and very good tourist places. एक जवाब है। अब मैं अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूं कि अपने गांव को समझता कैसे, देखता कैसे, परसेप्शन क्या। और एक बोलता है माई विलेज इज 70 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर ऑन बीकानेर रोड, इट इज अ सेमी डेजर्ट विलेज, it was established 400 years ago after that small battle by thakur so and so, it has a population of 1000 and its composition is like this, it is connected by rail also, source of living basically is agriculture but many people are in the forces, there is a school, high school, there is a primary health center and it's a very harmonious village and we are proud that there are two martyrs from our village. Now look at his perception, geography, history, demography, economy, socio political cultural aspects, and once this is understood he will automatically see ki main isko theek kya kar sakta hu, isko acha karna hai, mere gaon ko aur acha banna chahiye, to fir challenges bhi dekhega solution bhi dekhega. Lekin ek batata guide ki tarah tourist guide hi banega wo, तो मेरे गांव में तो वो जगह घूमने की अच्छी है, मेरे गांव में MLA फलाना है, मेरे यहाँ पे मंदिर फलाना है। अरे लीडर की परसेप्शन सिखा रहा हूँ, तो कर लो, गांव, जिला, स्टेट, इंडिया, वर्ल्ड समझना है तो सिर्फ पांच तरीके हैं, पांच हिस्सों में पढ़ो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, सोशल पॉलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जगह को भी देखना है ना, वहीं से तो आते हो आप, हमने कौन सा आपसे ऐसा रॉकेट साइंस का सवाल पूछ लिया भाई, हमने तो आपके गांव के बारे में पूछा था। खुद को समझना, अपने गांव को समझना। अपनी स्टेट को समझना। मैंने बोला आप कौन सी किस में जाना चाहते हो? सर आर्मी में। आर्मी में किस में जाओगे? कौन सी रेजिमेंट में जाओगे? कौन सी कोर में जाओगे? कहता सर जिसमें भी भेज देना, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ भेजोगे मैं वहीं चला जाऊँगा। मतलब क्या मतलब हुआ? कह रहा मुझे कोई और तो लेता नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लोगे और कहीं भी हमें डाल देना। अब क्या बोलूँ मैं आपको, पीछे मेरे मारते रहना, मैं अपना काम करता रहूंगा। ऐसे नहीं होता भाई, वी आर सेलेक्टिंग लीडर्स। तो एक और लड़का है जो जुनूनी है, इंटेंसिटी है उसकी ज्वाइन करने की, ही नोज एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस, कह रहा मैंने तो जाना ही है, मैंने तो इन्फेंट्री में जाना है, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मुझे पहाड़ में बंकर में बैठना अच्छा लगता है, मेरे को टेररिस्ट के पीछे पड़ना अच्छा लगता है, मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाई मनोज पांडे फलाना, मतलब मुझे इन्फेंट्री में जाना है। इन्फेंट्री में ये होता है, ये हथियार होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट सर्च होता है, ऐसे अटैक होता है, ऐसे डिफेंस होती है, गलवान वैली, पगांगसो, सब पता होता है उसको, इसलिए जाना है इन्फेंट्री में। तो कौन कौन सी इन्फेंट्री है, कौन कौन सी रेजिमेंट है, वो पूछता है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं उनसे पूछता है, अच्छा यार बताना है मेरे को, पता और बताना कौन कौन सी है। तो जिस फोर्स में आप जा रहे हैं उसके बारे में बताइए भाई, पता करिए, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी। मैंने कौन सा आपसे रॉकेट साइंस पूछ ली? मैं तो इंजीनियर्स में जाऊंगा क्योंकि मैं जा ही रहा हूं SSC टेक्निकल के लिए, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं,
इंजीनियर ये काम करते हैं, लड़ाई में ऐसी लाइफ होगी, ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा, देश के लिए भी अच्छा, मैं बेस्ट दे पाऊंगा। और जिस फोर्स में आप हैं, मैंने उसके बारे में पूछ लिया, बताइए, पता नहीं, क्यों तुझे क्यों नहीं पता? सर मेरा वो ट्रेड वर्क करने का मौका नहीं मिला। अच्छा जो तू करता है वही बता दे, क्या मतलब हुआ? आप इस्तेमाल कर रहे हो फौज को फॉर योर सेल्फिश मोटिव्स, इफ यू डोंट नो अपना काम। आप सोचो जब आप फौज में हैं, फौज का सब कुछ लेना चाहते हैं, अपना काम नहीं करना चाहते, ऑफिसर भी बनना चाहते लेकिन फौज के बारे में नहीं जानना चाहते, तो बताइए आप, यू आर अ यूजर। तो उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए इंडिया और वर्ल्ड, मेरा इंडिया, इंडिया को समझना, इंडिया इज माय कर्म भूमि। लीडर का एक परसेप्शन नेशनलिज्म का होता है, देश का होता है, स्टेट का नहीं, पूरे देश को साथ में लेके जाए, हर चीज को देश से जोड़ता है, हर चीज को देश की डेवलपमेंट से जोड़ता है, सोच ही उसकी ऐसी है। स्वच्छ भारत, स्वच्छता अभियान, कचड़ा पड़ा हुआ है वो भी देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं वो भी। आप बोलोगे सर कैसे, कुत्ते कैसे देश की तरक्की से जुड़े हुए? यही सिखाएंगे आपको कि कुत्ते कैसे जुड़े हुए देश की तरक्की से। आप सब लोगों को वॉर नहीं दे रहा हूं, अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैसे स्पोर्ट्स देश की तरक्की से जुड़ा है, और मेडल से नहीं, स्पोर्ट्स देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है। कोई भी टॉपिक दुनिया का, बॉलीवुड देश की तरक्की से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? अब जिसको नहीं समझ में आ रहा, कईयों को नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ, तो थोड़ा थोड़ा खुजली करना, पता लगेगा और फिर हम बताएंगे आपको, क्योंकि मैं सीधा ही बता दिया तो फिर आप बोलोगे ओह हाँ समझेंगे, थोड़ा जोर लगाओ। वो सिलेक्ट नहीं हो सकता कभी भी जिसको नहीं जुड़ाव समझ में नहीं आता। स्पोर्ट्स के आपको ऊपर लेक्चर लेना है आपको, आप स्पोर्ट्स के बारे में खूब बड़ा अच्छा बोलते हैं, नॉलेज दिखाते हैं किस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं वगैरह, ये तो बता दे व्हाई स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशंस डेवलपमेंट, हाउ स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशंस डेवलपमेंट। इफ यू डोंट नो योर थिंकिंग इज फ्लॉड। देश की तरक्की से जुड़ा स्पोर्ट्स बहुत भयंकर रूप में, फिर पेन होगा, अगर ये समझ में आ गया ना तो पेन होगा, फिर बोलेगा स्पोर्ट्स को मैं ठीक करूंगा, 5 चैलेंजेस हैं और मेरे पास ये रहे सॉल्यूशन, तब आपका लेक्चरर सही है। नहीं तो आप बोलोगे 3 मिनट में बोल दोगे स्पोर्ट्स से ये होता, स्पोर्ट्स से फलाना होता, नेशनल गेम्स होते, ओलंपिक्स होते, वर्ल्ड गेम्स होते, हमारे यहाँ पे बड़ा ये इतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा बहुत सोल्यूशन हो गया काम। 3 मिनट में 2-2.5 मिनट यही बोलता रहेगा स्पोर्ट्स क्या है, किस तरीके के हैं, क्या प्रकार के हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। आपको ये अगर मेरी आज की क्लास समझ में आ जाए तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस अपनी तैयारी करने की जरूरत है। डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं आज आपको, ये समझ लीजिए। हर चीज देश की तरक्की से जुड़ी है, लीडर के लिए, फॉलोअर के लिए। फॉलोअर बोला हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स खेलते हैं यार, मेडल वगैरह मिल जाते हैं, बाकी देशों में बाहबाही हो जाती है और क्या क्या हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो सिर्फ एक बात समझ में आती है, स्पोर्ट्स देश की तरक्की के लिए खेला जाता। कैसे, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। देखा बाकी लोग ऐसे आके फाड़ रहे हैं, कैसे तरक्की होगी भी स्पोर्ट्स से, उसी को तो ढूंढ रहा हूं मैं जिसको ये समझ में आता है
कि कचड़ा जो एक सब्जेक्ट है तो वो देश की डेवलपमेंट में कैसे फर्क डालता है। और विमेन के साथ में नाइंसाफी हो रही है और रेशो गड़बड़ है तो देश की तरक्की में कैसे फर्क डालता है, जिसको समझ में आ गया उसको सेलेक्ट करूंगा मैं। ये जो मेल फीमेल रेशो है कि देश की तरक्की को कैसे फर्क डालता है, कौन कौन बताएगा? फिर वही दो चार हाथ उठते। और ब्लडी 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज व्हेन नेग्लेक्टेड, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन? वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स फॉर नेशन डेवलपमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द नेशन। तो लगभग आधी है आपने उसको साइडलाइन किया हुआ। आप सोचो अगर उनको आप एम्पावर कर दो तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कितना जबरदस्त हो जाएगा। हाउसवाइफ का कंट्रीब्यूशन नेशन की डेवलपमेंट में नजर आता आप लोगों को? तो सही डायरेक्शन में जाओगे। मेरी बातें कभी कभी सख्त लगेंगी लेकिन आप थोड़ा अपने अंदर झांकना, लीडर बनो, डीएनए को जगाओ। जो देश का नहीं हुआ किसका होगा? आई लव माई इंडिया बोलने से नहीं होगा ना। तेरी सोच में इंडिया नहीं है, तेरी सोच में खुद गर्जी है। सोच में पहले इंडिया लाओ। मैं तो सेलेक्ट होने के लिए, मुझे बताओ क्या करना है? अरे बी ओरिजिनल, बी, डोंट वरी अबाउट सिलेक्शन, जस्ट बी योर सेल्फ एंड टेल वट यू आर, हु यू आर। वो तो बताना नहीं चाहते आप, पहले जानिए। मैं आपको जनवा रहा हूं, बता रहा हूं, चिता रहा हूं कि आप कौन हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं इसका मतलब आप देश की फिक्र करते हो। तो स्पोर्ट्स कैसे डालता है फर्क? ह्यूमन रिसोर्स की फिटनेस, और फिटनेस को 5 हिस्सों में देखो, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल, इमोशनल, टीम स्पिरिट, कैरेक्टर। कौन बिल्ड करेगा? स्पोर्ट्स करेगा। तो दर्द नहीं होता जब क्रिकेट के पीछे सारे दीवाने हुए घूम रहे? एक स्पोर्ट्स खेला जाएगा बाकी सब निरस्त, तो दर्द होना चाहिए। तो फिर चैलेंजेस देख के सोल्यूशन दिखाना, तब होगा लेक्चरर सही। देश के मैक्सिमम पॉपुलेशन शुड प्ले स्पोर्ट्स, देश की हर क्लास में स्पोर्ट, हर एज में स्पोर्ट, हर रीजन में स्पोर्ट, इक्वल फैसिलिटीज। चैलेंजेस, give me solutions and then I will see you are a leader. वरना क्रिकेट के दीवाने हो जाओ। 100 करोड़ एक आदमी, 200 करोड़ एक आदमी कमाता है क्रिकेट का, इधर गोल्ड मेडल लेके एक आता है कुश्ती वाला, उसको कोई नहीं पूछता। कबड्डी वाला, उसको कोई नहीं पूछता। कैसा देश बनाना चाहते हो? अगर ये दर्द होता है तो लीडर हो, नहीं तो फिर ठीक है। SSB को बेवकूफ क्या बनाओगे? SSB तो आपको ऐसे छटक के बाहर कर देता है। और अच्छे लोग बाहर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इधर से सीख लिया ऐसे करना, उससे पास हो जाएंगे। इससे निकलो बाहर। सो अंडरस्टैंडिंग खुद को, जिस गांव, जिस जिले और जिस स्टेट में आप रहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड हाउ टू इंप्रूव, सी द चैलेंजेस, देन द फोर्स दैट यू आर ज्वाइनिंग, यू मस्ट बी मास्टर ऑफ इट, देन इंडिया एंड वर्ल्ड। और पांचवा, the current affairs which are happening, what is going on, और फिर उसमें भी solution लेके आना। चल रहा है भाई, string of pearls को कैसे ठीक करना है, quad में हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, देश में क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, there are some important topics, वहां भी हैं, हम और देंगे आपको, ये मालूम होना चाहिए। इट इज नॉट टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको करंट अफेयर के पीछे पड़ जाते हो, बाकी सब छोड़ देते हो।